जी हाँ, चार सीटों का चक्रव्यूह, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आठवें चरण के 64 सीटों पर जब हुआ है मतदान, तो चार ऐसी सीटें हैं जहां दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। और आज जिस तरह का ड्रामा सिलसिलेवार ढंग से, जिस तरह से माहौल इन चार जगहों पर बनता रहा, उससे इतना तो तय है कि ये राजनीति, ये चुनाव अब एक अलग ही, आप कह सकते हैं, स्तर पर पहुंच गए हैं हिंदुस्तान में। जी हां, आठवें चरण में 64 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन इस चरण में सबसे ज्यादा अहम ये चार सीटें हैं, अमेठी, सुल्तानपुर, सारण और हाजीपुर। हम एक एक कर आपको इन सभी सीटों पर ले चलेंगे। अमेठी में राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, कुमार विश्वास हैं, वहीं हाजीपुर में रामविलास पासवान खड़े हैं, सारण से राबड़ी देवी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कहां पर कितनी फीसदी हुआ है मतदान। बंपर वोटिंग के तौर पर इसे देखा जा रहा है, 46% आपने देखा बिहार में, हिमाचल में 49.14%। इन तमाम जगहों पर पिछले बार के मुकाबले काफी ज्यादा मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 61.76%। यह आखिरी घंटा है, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं और आपने अभी तक अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया है तो जरूर पहुंचिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसी के जरिए आप देश, सरकार, प्रशासन सबको दुरुस्त कर सकते हैं और लोकतंत्र में भागीदार बन सकते हैं। उत्तराखंड में 44% मतदान 3 बजे तक, आंध्र प्रदेश में 54%, और 3 बजे यानी उसके बाद 3 घंटे और बचते हैं, शाम 6 बजे तक मतदान हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी 43% मतदान ही हुआ है, बिहार में 46%, हिमाचल में 49.14%। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह का जोश इस बार मतदाताओं में देखने को मिल रहा है वो काफी कुछ कहता है। हालांकि हमेशा ये मानते हैं जानकार और विशेषज्ञ कि जब भारी तादाद में लोग वोट डालने पहुंचते हैं तो वो एंटी इनकम्बेंट होता है, यानी जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने निकलते हैं। बहरहाल 16 मई तक करना होगा इंतजार।